मूवी की शुरुआत एक गिरगिट से होती है जो बेचारा ठंड से काफी परेशान हो रहा था। तभी वो चलते चलते एक छोटे से गांव में आता है जहाँ उसे एक घर दिखाई देता है जहाँ अब तक लाइट चल रही होती है। वो उस घर में चला जाता है और उस घर का मालिक घड़ी बनाने का काम करता था और उसके पास काफी सारी घड़ी थी। वो एक लकड़ी की कठपुतली बना रहा था तो तभी उसकी शॉप पे एक आदमी आता है और वो उसके पास एक घड़ी खरीदना चाहता था, लेकिन जुपेटो उसे घड़ी देने से मना कर देता है क्योंकि उस घड़ियों से उसकी वाइफ की यादें जुड़ी हुई थी, इसलिए वो घड़ी को बेचना नहीं चाहता और वो आदमी वहाँ से चला जाता है। तब वो कठपुतली बनाते बनाते उसके लिए एक नाम सोचता है। कठपुतली पाइन की लकड़ी से बनी थी इसलिए जुपेटो उसका नाम फिनोकियो रख देता है। उसके बाद तब जुपेटो सोने के लिए जाता है तो उसे एक शूटिंग स्टार दिखाई देता है। तो जुपेटो एक विश मांगता है कि काश उसका भी बेटा हो जो उसकी अधूरी फैमिली को पूरा करे। उसके सोने के बाद विंडो से बहुत तेज रोशनी तस्वीर से होकर फिनोकियो पे पड़ती है तो इसी कारण फिनोकियो बोलने लग जाता है और ये सब होते हुए जिमिनी भी देख रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक फेरी आती है और फिनोकियो को कहती है कि तुम अपने पापा की सारी बात मान तभी तुम उनके सच्चे बेटे बन पाओगे। फेरी जिमिनी को फिनोकियो का जमीर बनाती है। वो उसे कहती है कि जब तक फिनोकियो सही गलत का मतलब नहीं समझ जाता तब तक तुम उसके साथ ही रहोगे। तब वो फेरी वहाँ से चली जाती है तो शोर सुन के जुपिटो की आंखें खुल जाती है, लेकिन जब वो फिनोकियो को बोलते हुए देखता है तो वो काफी डर जाता है, लेकिन बहुत जल्द ही वो खुश भी हो जाता है। फिर जब मॉर्निंग में फिनोकियो स्कूल जाता है तो जुपिटो उसे कहता है कि तुम स्कूल से छूटने के बाद ठीक 5 बजे घर पे आ जाना और हम साथ में खाना खाएंगे। जब फिनोकियो बच्चों के पीछे जा रहा था तो रास्ते में 2 लोमड़ियां फिनोकियो को पकड़ लेती है और अपनी बातों में उलझा कर उसे सर्कस में भेजने की कोशिश करती है। इस तरफ जिमिनी देखता है कि फिनोकियो तो कहीं नजर नहीं आ रहा तो वो तेजी से दौड़ के घर के बाहर जाता है। वो सोफिया नाम की एक चिड़िया से मिलता है और जिमिनी सोफिया से कहता है कि मैं फिनोकियो का जमीर हूँ और अगर मैं उसके साथ नहीं होऊंगा तो बेचारा बच्चा बहुत मुश्किल में पड़ जाएगा। सोफिया जिमिनी को अपने ऊपर बिठा के फिनोकियो के पास पहुँचा देते है। जिमिनी उसे उन लोमड़ियों से बचाकर स्कूल भेज देता है, लेकिन स्कूल के सर उसे बाहर निकाल के फेंक देते हैं और कहते हैं कि यह स्कूल असली बच्चों के लिए है, तुम लकड़ी की कठपुतली सर्कस में ही अच्छे लगते हो। लेकिन तभी वो लोमड़ी फिर से आकर जिमिनी को एक बोतल के नीचे बंद कर देती है और फिनोकियो को बहका कर वहाँ से सर्कस भेज देता है जहाँ वो डांस करके लोगों को हंसाता है और बहुत पैसे भी कमाता है। लेकिन वो सर्कस का ओनर बहुत बुरा होता है। काफी रात हो चुकी थी और फिनोकियो भी घर पे नहीं आया था, इसलिए जुपिटो काफी वरिड होकर फिनोकियो को ढूंढने निकल जाता है। वो सर्कस का ओनर फिनोकियो को एक पिंजरे में बंद कर देता है। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जो फिनोकियो को वहाँ से बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाती है। लेकिन वहाँ जिमिनी आ जाता है, फिनोकियो को वहाँ से बचा लेता है। लेकिन तभी वो फिर से एक मुसीबत में पड़ जाता है जहाँ कुछ बच्चे होते जो अपने माँ बाप से बचकर एक ऐसे आइलैंड पे जा रहे थे जहाँ वो लोग सब कुछ कर सके, लेकिन वो लोग फिनोकियो को भी वहाँ अपने साथ ले जाते हैं जहाँ वो देखता है कि उसके पापा की सारी घड़ी वहाँ पर थी और वो बच्चे वहाँ सब सामान तोड़फोड़ कर रहे होते हैं। फिर वहाँ काफ़ी इंजॉय करने के बाद सारे बच्चे एक एक करके गधे बनने लग जाते हैं और बड़े से मॉन्स्टर जैसे ब्लैक शैडोज उन गधों को पकड़ रही थी। हम देखते हैं कि फिनोकियो के भी गधे जैसे कान और पूंछ निकल आती है। तभी वहाँ पर जिमिनी एक बार आकर फिर से फिनोकियो को वहाँ से बचा लेता है और उसके बाद फिनोकियो अपने घर जाता है जहाँ सोफिया उसे बताती है कि तुम्हारे पापा ने तुम्हें ढूंढने के लिए अपनी सारी क्लॉक्स बेच दी और नाव खरीद कर तुम्हें ढूंढने के लिए समुंदर में चले गए। उसके बाद फिनोकियो भी और जिमिनी के साथ चला जाता है उसके पापा को ढूंढने जहाँ वो लोग एक बार फिर से मिल जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से बड़ा मॉन्स्टर उन दोनों को निगल लेता है। लेकिन फिनोकियो अपने दिमाग चलाकर वहाँ पर आग लगा देता है जिसके धुएं के कारण वो मॉन्स्टर छींकता है और फिनोकियो अपने पापा के साथ बाहर निकल आता है। फिर दोनों मॉन्स्टर से बच के समुन्दर के किनारे आ जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज एंड सब्सक्राइब माई चैनल।